एक जवान युद्ध के लिए कैसे प्रेरित होता है, कैसे उसमें युद्ध के लिए अपार ऊर्जा आ जाती है, हमें आपको क्रोध क्यों आता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इन इंसानी गुणों को कौन सी ऊर्जा संचालित करती है, कौन इनमें संतुलन बनाती है। नमस्कार साथियों, सनातन सत्य के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। सनातन सत्य के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन की। कैप्टन साहब से हम जानेंगे ये ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन क्या है। दरअसल जब ये मेरिडियन सक्रिय होती है तो हमारा शरीर हाई अलर्ट पर होता है। हमारी उड़ान हमारे तनाव को कैसे प्रतिबंधित करती है ये ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैप्टन साहब ये बताइए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ट्रिपल हीटर पहली बार नाम सुना है, क्या है, क्या ये ट्रिपल हीटर है एनर्जी मेरिडियन? ट्रिपल हीटर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम शरीर के तीन हिस्सों की बात कर रहे हैं। ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन किसी भी शरीर के अंग से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसका जो प्रवाह है ये जो अनामिका है रिंग फिंगर से शुरू होकर हाथ के मध्य भाग से और आपके शोल्डर कंधे से होते हुए कान के पीछे से आती है और आंखों के भाव के नीचे आकर इसका पॉइंट रुकता है। इसकी जो ऊर्जा है ये तीन हिस्सों को नियंत्रित करती है, ऊपर का भाग छाती, मध्य भाग पेट, पेल्विस यानी श्रोणी क्षेत्र जो शरीर का है। और ट्रिपल हीटर एनर्जी को चीन में एक और नाम से पुकारा जाता है, उसको कहते हैं सैन जियाओ। उसका मतलब भी यही है कि तीन हीटर। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इस एनर्जी मेरिडियन का जो काम है वो शरीर के द्रव्य और ऑक्सीजन के नियंत्रण को स्थापित करना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य। तो जितने भी तरह के द्रव्य हैं शरीर के और ऑक्सीजन, उसका नियंत्रण और उसका प्रवाह शरीर में तभी अच्छा होगा जब आपकी ट्रिपल हीटर एनर्जी का जो स्तर है वो बराबर निर्धारित है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कहीं ना कहीं जो बॉडी में एग्रेशन आता है, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो युद्ध हो, कहीं पे भी जो एग्रेशन आता है वो इसी एनर्जी मेरिडियन की वजह से आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह एक ऐसी एनर्जी मेरिडियन है जब आप उत्तेजना में, फियर में या एंग्जाइटी में, किसी भी आकस्मिक ऐसी परिस्थितियों में जब आते हैं तब यह जो एनर्जी मेरिडियन है इसका रिजर्व भाग होता है। एक ऐसा भाग होता है शरीर के अंदर जिसे शरीर अपने आप संतुलित करके बचा कर रखता है, जिसको आप एनर्जी बैंक कह सकते हैं, वो अपने आप ट्रिगर करता है और वह उत्साह के समय उसका उपयोग शरीर अपने आप कर सकता है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि ये ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन उनकी कुछ ज्यादा एक्टिवेटेड है, ऐसा भी कुछ है? ज्यादा एक्टिवेटेड से अधिक निश्चित ही ये बात आती है, असंतुलन, या जैसे कि हमने बताया कि ये एनर्जी मेरिडियन का जिस तरह से प्रवाह होता है, अब इसमें सारे कई स्थान पे पॉइंट्स भी हैं, तो हो सकता है कि जो एनर्जी का प्रवाह है उस व्यक्ति विशेष में कहीं जाकर रुक रहा है। तो ये जो क्लॉकिंग है, इस भेद को भी समझना होता है इस विज्ञान के अंदर, जो कि हम अभी संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी काम ट्रिपल हीटर का है मुख्यतः ये है श्वसन, पाचन, यौन और उत्सर्जन, अर्थात शरीर से जितने भी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो मल हो, चाहे वो मूत्र हो, जितने भी पदार्थ बाहर निकल रहे हैं उस ऊर्जा के संचालन से ही वो स्थापित है। यदि ट्रिपल हीटर एनर्जी का आप संतुलन नहीं रखते हैं, जैसे कि हम इस बात को स्थापित कर सकते हैं, आज पूरे विश्व में पेट से संबंधित इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो, ये सारी जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, ये संसार के 70% लोग। और इसका तात्पर्य क्या है कि हमने हमारे
ऊर्जा के संचालन क्षेत्र से अपना ध्यान हटा दिया। तो इसकी इस अगर किसी को इस एनर्जी मेरिडियन में कहीं कोई दिक्कत है ट्रिपल हीटर में, वो कहाँ कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके इंडिकेशंस क्या क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आशीष जी शुरू में ये बात बताई कि ट्रिपल हीटर एनर्जी का जो कार्य है वो द्रव्य और ऑक्सीजन और जल, यहाँ तक कि जब आप जल ग्रहण करते हैं, इसकी भी पूरी तरीके से दोहन और इसका पूरी शरीर में संचालन इसी ऊर्जा से होता है। कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपके शरीर में अचानक सूजन आ जाना, सूजन भी ट्रिपल हीटर की एनर्जी की कमी से आ सकता है। खुजली आना, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि यदि आपकी त्वचा की 7 परतें हैं, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको कि 7 तो मुख्य परतें, जब भी द्रव्य का संचालन ऊपर नीचे होता है, ट्रिपल हीटर एनर्जी की कमी है, तो आप में ड्राइनेस आएगी, जब त्वचा में ड्राइनेस आएगी तो आपको खुजली होगी। तो ये कई तरह के संकेत हैं जब ट्रिपल हीटर एनर्जी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इसमें एक इंडिकेशन, निश्चित तौर से ये बहुत संबंध रखता है। हालांकि जब हम आगे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी की बात करेंगे उसमें भी उसका भी योगदान है, परंतु ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो द्रव्य ही है 70% के आसपास। सो जितना भी क्षेत्र है, अब हमारी जो, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रिपल हीटर छाती, पेट और पेल्विस यानी कि श्रोणिक क्षेत्र, इन तीनों को संचालित करता है, किसी अंग को डायरेक्ट नहीं करता, परंतु द्रव्य को और ऑक्सीजन को संचालित करने की ये ऊर्जा बहुत मुख्य है। जितना भी रिक्त स्थान है, जैसे कि आप देखते हैं कि पेट का क्षेत्र है जहाँ कई अंग हैं, उसके बाद खाली स्थान भी है शरीर का, उसका भी ऊर्जा का संचालन ट्रिपल हीटर ये करता है। इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये ट्रिपल हीटर जो मेरिडियन है, एनर्जी मेरिडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारे में, काफी हद तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताइए कि अब दो सवाल जो हमेशा रहे हैं, पहला कि आइडेंटिफाई कैसे करें, वो हमने अब देख लिया कि भाई क्या क्या इंडिकेशंस आ सकते हैं, और उसमें अगर एनर्जी डालनी है तो उसमें कौन से ऐसे मंत्र या साउंड का इफेक्ट डाला जा सकता है, ऐसा खान पीन कौन सा होना चाहिए जिसकी वजह से इसमें एनर्जी आए। जैसे कि आशीष जी, जैसे कि मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि द्रव्य और ऑक्सीजन और जल, इन सारे क्षेत्रों में इस एनर्जी का कार्य है, इसको संतुलित करना इसका कार्य है। तो स्वाभाविक रूप से जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि थायराइड है, थाइमस है, एड्रेनल है, ये जितनी भी शरीर की ग्रंथियां हैं वो इस ट्रिपल हीटर एनर्जी से प्रभावित होती हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे जितने भी ये सारे अंग हैं, इनका जो भोजन है, सबसे पहले तो जब हम कभी भी किसी ऊर्जा की बात करते हैं, आपने देखा होगा ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, ये हमेशा किसी भी ऊर्जा को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। और नट्स, जैसे कि जितने भी नट्स होते हैं, चाहे वो काजू हो, बादाम हो या पिस्ता हो, जो ये मेवा है, इससे भी ट्रिपल हीटर एनर्जी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तभी कहा गया है ये सारी ताकत के जो खाद्य पदार्थ हैं, ये सब अच्छी ताकत देने वाले माने गए हैं। ये बताइए कि आइडेंटिफाई अगर हमको अपने शरीर में किसी अंग से करना है कि ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन में कहीं कोई कमी है, तो वो कैसे हो? ये उंगली है ट्रिपल हीटर एनर्जी जहाँ से चलती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जब आप इसको ऐसे पूरी तरीके से दबाएंगे और कोई व्यक्ति उंगली ऐसे करेगा और वो आसानी से निकाल सकता है, तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रिप कम है। अब जब उसमें ग्रिप कम है तो इसका मतलब है ऊर्जा की कमी है। तो ये पहला इंडिकेशन है जो आप कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी ट्रिपल हीटर एनर्जी को इस प्रकार से चेक कर सकता है। और अगर मशीन के जरिए करना है तो फिर आपकी ये बायोफीडबैक मशीन है जिसको हम अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आपकी एनर्जी कितनी है, उसमें दिखा सकते हैं। ये बताइए कि इसका सनातन से क्या जुड़ा? ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन
जो रिंग फिंगर अनामिका है, यहाँ से इसके बाहरी भाग यानी कि जो हिस्सा नाखून के नीचे छोटी उंगली के साथ होता है, यहाँ से इसकी ऊर्जा ली जाती है। हम जैसे कि अभी देखना शुरू कर रहे हैं और इस समय ट्रिपल हीटर एनर्जी समय आशीष जी की 35 एम्बर बैंड में है, अर्थात थोड़ी बाउंड्री लाइन से कम। जैसे कि हम उचित मानते हैं कि ऊर्जा हमेशा हरे बैंड में अर्थात 40 की यूनिट से हो। अब हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक बार पुनः नापते हैं तो शायद थोड़ी सी ऊर्जा की वृद्धि हो। ये देखिए, अब हम इसको देख पा रहे हैं कि 55 की यूनिट पे इनकी ऊर्जा चली गई। क्यों हुआ ऐसा? अचानक जैसे ही आशीष जी को ये पता चला कि मेरी ट्रिपल हीटर एनर्जी कम है, सबकॉन्शियसली इनका मस्तिष्क अलर्ट मोड पर गया और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। ट्रिपल हीटर एनर्जी की ये विशेषता है कि उत्साह, साहस, एंग्जाइटी और फियर इन सारी स्थितियों में कम ज़्यादा होती है। देखिए, इसमें सबसे पहला जैसे कि चेतना से सनातन हमेशा एक ही बात पर आता है कि हमारी परस्पर जो शरीर की ऊर्जा है उसका स्थापन और उसका संबंध हमारी चेतना से कितनी अच्छी तरीके से जुड़ सकता है। जब आप देखते हैं कि ट्रिपल हीटर एनर्जी का महत्व आपने देखा, अगर आपका शरीर ही असंतुलित और आपको कष्ट देने वाला बना हुआ है तो स्वाभाविक तौर से आप किसी भी तरह की वह प्रक्रिया नहीं कर सकते जो आपको धर्म, सनातन और स्पिरिचुअलिटी के ऊर्जा क्षेत्र को वृद्धि करने में मदद करता है। तो सबसे बड़ा कार्य है ट्रिपल हीटर को कि शरीर संतुलित हो, शरीर में सहजता हो और शरीर में एक ज्वाय हो। इस ऊर्जा के अधिकतर जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लैंड्स हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, तो जितनी ब्रेन में, मस्तिष्क में भी जो ग्रंथियां हैं वो स्वाभाविक तौर से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ट्रिपल हीटर एनर्जी से प्रभावित हो रही है। इसका संतुलन हमारे आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं, आध्यात्मिक दिनचर्या और मेडिटेशन, योगा, इसमें सब में फर्क पड़ता है। ये बताइए कि योगा या किस तरीके के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि इस एनर्जी मेरिडियन में थोड़ा सा उसमें एनर्जी आए, दम आए उसके अंदर। आशीष जी, एक बड़ा दिलचस्प इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। हमारे सनातन काल से जो हमारे शोध में हमने देखा, जितने भी दंड होते थे, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ कोई बच्चे अगर कोई उदंडता करते तो उनको जो शिक्षक है वो किस तरह की सजा देता था, उन सारी सजा की प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था है जो ट्रिपल हीटर एनर्जी को ठीक करती थी। जैसे कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाते थे, इससे निश्चित ही ट्रिपल हीटर एनर्जी एनर्जाइज होती है, क्योंकि हम जब क्रॉस हैंड डाउन और अपवर्ड, ये एक ऐसी मुद्रा है जिससे ट्रिपल हीटर एनर्जी को बल मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने देखा हो फौज में, जब फौज में क्या चाहिए, एक सैनिक को, एक सिपाही को ऊर्जावान रहना है, उसको ऊर्जावान रहने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ट्रिपल हीटर एनर्जी के संचालन की है। तो जब आप देखते होंगे कभी कि कोई भी कर्नल या ब्रिगेडियर या कोई जो वरिष्ठ अधिकारी है अपने सेना के किसी सिपाही को जब सजा देता है तो वो बंदूक को ऐसे पकड़ते और फिर उसके बाद वो भागते। ये दो प्रक्रिया है। ट्रिपल हीटर एनर्जी की ऊर्जा को वृद्धि करने के लिए आपको सनई सनई, स्लो स्लो, धीरे धीरे, धीरी सांस लेने वाले और धीरे भागने वाली ही एक्सरसाइज करनी। तो जब ये मुद्रा होती है गन के साथ तो वो दौड़ता जरूर है, बहुत तेज नहीं दौड़ता वो, और सांस भी उसकी उसी तरह से चलेगी। तो इस पूरे प्रक्रिया में जब वो 1 किलोमीटर की भाग लगाता है, भागने के बाद उसकी ट्रिपल हीटर एनर्जी बहुत ही अच्छी संतुलित हो जाती है। हमने शोध किया, हम बाकायदा इसके फील्ड में गए, हमने देखा बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट हमने देखे। तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधान हमारी सजा के क्रम में भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो फौज की बात हो और चाहे वो इसको। तो निश्चित तौर पे आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये महज बातें नहीं है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है। अरविंद जी, ये बताइए कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिमिनल हो जाते हैं,
अचानक, उनमें भी एक अलग सा एग्रेशन होता है। उस ट्रिपल हिटर का एनर्जी मेरिडियन का भी कोई लेना देना है? निश्चित ही आशीष जी, इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि किसी व्यक्ति विशेष में ऊर्जा संतुलन ना रहना, अर्थात जो अच्छी ऊर्जाएं हैं उसकी कमी हो, और ट्रिपल हीटर जैसे कि मैंने बताया एक उत्साह, ये ऐसी रिलीज करती है, एकदम से एक्साइटमेंट रिलीज करती है, इसकी बहुतायत मात्रा हो तो स्वाभाविक है। जैसे कि हमने बताया कि मिलिट्री में पायलट्स के लिए, यहाँ तक कि जो कर्मचारी फैक्ट्री में कारखानों में काम करते हैं, उनकी ट्रिपल हीटर एनर्जी बहुत ही संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि उनको हर समय अलर्ट रहना है। परंतु किसी की अगर बहुत ज़्यादा उसकी उत्साहित एनर्जी बनी हुई है और अन्य एनर्जियों का, ऊर्जाओं का संतुलन नहीं है, स्वाभाविक है कि ये जो आप कह रहे हैं, प्रतिक्रिया ट्रिगर करना, विवेक से काम ना लेना, अचानक नाराज होकर के कोई काम कर देना और एक अपराध यानी क्रिमिनल कार्रवाई को अंजाम दे देना, ये बहुत हद तक संभव है अगर इस ऊर्जा की संतुलन। अगर सपोज कर लीजिए किसी व्यक्ति को अपना संतुलन करना है एनर्जी का, तो वो कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है? योगा के अलावा शरीर के जो आवश्यक द्रव्य हैं उनकी फैलाव शरीर में अच्छी हो और सारे अंगों में ऊर्जा अच्छी बनी रहे, उसके लिए एक और सरल उपाय जो एक एक्सरसाइज है वो हम यहाँ दर्शकों को बता सकते हैं। जिस ऊर्जा से आपकी ट्रिपल हीटर की उंगली, यह है अनामिका अर्थात रिंग फिंगर, इसको आप जोर से ऐसे दबाएं। दबाने के पश्चात आप नाक से श्वास लें और आराम से मुंह से इसे छोड़ें। इस एक्सरसाइज से ट्रिपल हीटर एनर्जी को पूरा फ्लो करने का मौका मिलता है। जैसे ही आप इसको दबाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह परिवर्तित होता है और आपने, जैसे कि हमने कहा कि ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन का कार्य है ऑक्सीजन और द्रव्य से उसका संपर्क है, तो जैसे ही आप इस धीमी श्वास लेने की प्रक्रिया, नाक से श्वास लिया और मुंह से छोड़ा, आप महसूस करेंगे कि आपकी ट्रिपल हीटर एनर्जी अच्छी हो रही। तो साथियों, देखा आपने, ट्रिपल हीटर एनर्जी मेरिडियन की ऊर्जा में संतुलन ना हो तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हमारे आपके जीवन में निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन भी ला सकता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। सनातन सत्य के अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी मेरिडियन यानी हार्ट एनर्जी मेरिडियन के बारे में, उस पर हम खास चर्चा करेंगे कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।